वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे मुरादाबाद का फेमस खुशबूदार जायकेदार मुरादाबादी पुलाव, जिसे मुरादाबादी बिरयानी भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 किलो वॉश किया हुआ मटन। एक कुकर लेंगे, उसमें हम मटन को ऐड करेंगे, साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 7 से 8 लौंग, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 1 बादियान फूल, 1 जावित्री, 2 काली इलायची, 7 से 8 हरी इलायची, 3 तेज़पत्ते और 1 छोटा टुकड़ा जायफल। इसे हम गोश्त में ऐड करेंगे। अब लेंगे हम 4 हरी मिर्च, 1 रफली चॉप कीवी प्याज, 2 बड़े साइज़ की लहसुन जिसे हमने इस तरह से साफ़ करके लिया हुआ है, और 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक। इसे भी हम गोश्त में ऐड करेंगे। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी हमने इसलिए ऐड किया ताकि मटन का स्टॉक हमारे अच्छी तरह से निकल सके, बाद में हम इसे मटन में यूज़ करेंगे। खड़े गरम मसाले हमने यूँ ही ऐड किए, आप चाहे तो पोटली बनाकर ऐड करें, इससे मटन में टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हमने यूँ ही ऐड किया। अब कुकर का ढक्कन लगा के हम 3 से 4 सीटी लेंगे। आप अपने कुकर और बर्तन के हिसाब से मटन को गला लें। मटन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, इसे हमने 90% कुक किया, 10% हम पुलाव में पका लेंगे। मटन को हम यखनी से अलग करेंगे। अब यखनी को हम छान लेंगे। और मसालों को हम इस तरह से प्रेस करके इसका फ्लेवर भी हम यखनी में लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से खानों में टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे 3 चॉप किए हुए प्याज। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब इसे आधी प्याज को हम साइड में निकालेंगे। और आधी को बर्तन में रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 10-12 काली मिर्च, 5-6 हरी इलायची, 7-8 लौंग और 2 काली इलायची। इसे ऐड करके मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटन। मटन को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। मटन फ्राई होने पर इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दही और दही का पानी ड्राई होने तक इसे फ्राई करेंगे। साथ में ही 10 से 12 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च को हमने इस तरह से चीरा लगाया हुआ है, मिक्स करेंगे। दही का पानी हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे मटन का स्टॉक और थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चावलों को हमने सोख करके रखा हुआ है, इसलिए सोख के हुए चावल में पानी कम लगता है। मटन के स्टॉक के साथ पानी ऐड करेंगे। स्टॉक और पानी मिला के 1.5 गुना रखेंगे। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 किलो बासमती राइस, जिसे आधे से 1.5 घंटा हमने सोख करके रखा हुआ है। पानी को हमारे बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल। साथ ही 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक
हमारा यखनी में भी है, इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। मिक्स करेंगे और 10 से 12 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे। चावल हमारे दम पे आने को है, थोड़ा सा पानी अंदर है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को स्लो करके 10 मिनट दम पे देंगे। दस मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कलर, क्योंकि कलर हमने पहले ऐड नहीं किया था। पहले ऐड करने से पूरे चावलों में कलर फैल जाता है, इसलिए बाद में ऐड करेंगे। और साथ में ऐड करेंगे ब्राउन की हुई प्याज, जो कि आधी बचा के पीछे रखी हुई थी। अब इसे हर 5 मिनट दम पे देंगे। इस तरह से 15 मिनट हमने दम पे दिया, पुलाव हमारा दम पे आ चुका है। देखिए कितना खिला खिला खुशबूदार पुलाव हमारा रेडी है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। अगर आपको हमारे मुरादाबादी पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।